हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मटन स्ट्यू की रेसिपी। यूपी स्टाइल में बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे, जितना इजी है उतना ही टेस्टी भी बनकर रेडी होता है। सबसे पहले यहाँ पर लेना है प्रेशर कुकर, 2 बड़े चम्मच लिया है मस्टर्ड ऑयल। अब यहाँ पर 250 ग्राम लिया है हमने प्याज। ये देखिए, अच्छे से सॉटे कर लेना है। यहाँ पर हमें ना पिंक करना है ना गोल्डन फ्राई प्याज करना है। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 kg मटन। ये देखिए, यहाँ पर हमने नली भी ऐड की है। अब 2 टेबल स्पून लिया है भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। 6 से 7 ली है हमने लाल मिर्च साबुत, उसको तोड़ लिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 तेज पत्ता। अब इनको अच्छे से मिक्स करना है और इनको हमें जब तक चलाते रहना है जब तक ये वाइट ऑफ कलर का ना हो जाए। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम साबुत मसाले। अब यहाँ पर लेना है हमें 1 बड़ी इलायची, 1/2 फूल जाएगा जावित्री का, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग और 8 से 10 जाएंगे यहाँ पर काली मिर्च, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ। अब यहाँ पर इसको दरदरा सा कूट लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हल्का सा इनको रोस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल तरीके से यूपी का स्ट्यू गोश बनकर रेडी होता है। अब यहाँ पर 300 ग्राम जाएगा दही, फ्रेश दही लिया है यहाँ पर हमने, अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। रेसिपी पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। अब यहाँ पर 3 जाएंगी हरी इलायची। अब यहाँ पर हमें इसकी लीड लगा देना है और हमें तकरीबन 5 से 6 प्रेशर ले लेना है। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें 5 प्रेशर के बाद खोल कर चेक कर लेना है। यहाँ पर अच्छे से हमारे जो गोश्त है गल चुका है। अब यहाँ पर हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, यहाँ पर जो पानी है वो दही ने रिमूव कर दिया था। अब यहाँ पर हमें हाई फ्लेम पर अच्छे से पानी को खुशक कर लेना है। ये देखिए, कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि जो स्ट्यू है बॉटम पे ना लगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही अलग रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही ईजी है लेकिन टेस्ट में बेस्ट है। अब यहाँ पर अच्छे से हमें इसको भूनना है, तब तक भूनना है जब तक कि जो ऑयल है सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो स्ट्यू है लगभग रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम टच देंगे गरम मसाले का, उसके बाद हम यहाँ इसको कवर करके रखेंगे ताकि जो खुशबू है गरम मसाले की पूरे स्ट्यू में आ जाए। ये देखिए, बस यहाँ पर हमारा जो मटन स्ट्यू है रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही कम मसालों के साथ चटपटी सी हमारी जो रेसिपी है बनकर रेडी हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा यूपी स्टाइल में मटन स्ट्यू रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कितना सॉफ्टी सा जूसी सा हमारा मटन स्ट्यू बनकर रेडी हो चुका है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।